ये चेक करो भाई बुलेट पे, बुलेट नंबर भी आप लोग देख सकते हो भाई। अगर ऐसे जो अगर हम लोग ड्राइव करें ना भाई बाइक, तो तुरंत ये लोग रुक करके चालान पे चालान काट देता है भाई। और देख रहे हो पुलिस वाले के लिए भाई कोई रूल्स नहीं है भाई कोई। देख रहे हो ये है दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा हवाई अड्डा, क्या सेक्सी व्यू लग रहा है भाई साहब, देख रहे हो। और इधर का चारों ओर का व्यू देख लो। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई रेलवे स्टेशन दरभंगा में, देख रहे हो यहाँ का व्यू इस प्रकार से भाई, ये चेक करो भाई। तो ये रहा सामने में पार्सल घर दरभंगा, देख रहे हो। अब ये चेक करो भाई, एक बाइक पे दो दो पापा की परियों, देख रहे हो। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मोटो 85 राइडर। सो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज अभी का जो टाइम है ना भाई 12:30 हो चुका है, और आज जो देख रहे हो हमारे साथ है हेलो। तो आज जो है ना भाई हम लोग काफ़ी लंबा रूट में जा रहे हैं भाई, बोले तो दरभंगा जा रहे हैं हम लोग। और दरभंगा इसलिए जा रहे हैं कि देख रहे हो ये अपना टॉकी, तो इसी को जो है ना फिर से बुक करना यार। और हम लोग का जो टिकट है ना कन्फर्म हो चुका है बेंगलोर का, तो हम लोग बेंगलोर फिर से जा रहे भाई वापस, और अपना लॉकी को भी साथ में लेकर के जा रहे। तो इसको जो है ना भाई दरभंगा से ही बुक करना होगा बेंगलोर के लिए। तो इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं कि इसका बुक करने में क्या क्या प्रोसेसिंग वगैरह होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और आज जो है ना हम लोग बहुत दिन बाद जा रहे भाई लंबा रूट में यार, और आज मौसम भी भाई काफ़ी सेक्सी है यार, आप लोग देख रहे हो। तो आज जो है ना जुबेर बताएगा क्या क्या करेंगे हम लोग दरभंगा में। हम लोग दरभंगा जा रहे हैं आज, तो नया नया कुछ चीज़ सब खुला है, हम लोग को मालूम उतना नहीं है। आज दरभंगा जाने के बाद वहाँ देखेंगे क्या क्या मिलता है, वो आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। हम लोग का बहुत जल्दी बेंगलोर हम लोग जाने वाले हैं, देखिए आज बाइक का जो काम होगा वो दिखाएंगे आप लोग को वीडियो में, चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ से लगभग बोलते 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई हम लोग का, तो चलिए देखते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मौसम भी बहुत, और आज मौसम भी काफ़ी सेक्स है यार, नाइट को बारिश हो गया ना भाई, तो आज जो है ना मौसम काफ़ी ठंडा है यार। आप लोगों को मैं दिखाया ना यार, जहाँ से हम आए ना जुबेर के पास, वहाँ पर भाई इतना रोड खराब था ना उधर, लेकिन खैर छोड़ो यार, यहाँ से हम लोग चलते हैं, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है हम लोग को। तो बस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए भाई। तो गाइस देख रहे हो अपना लॉकी का हाल भाई, नाइट को जो ना भाई बारिश होगा हम लोग का गांव में, तो भाई काफी ज्यादा रोड में कीचड़ हो गया था यार, देख रहे हो। कल ही वाश करवाए थे यार, आप लोग रिसेंटली में ब्लॉग देखे ही होंगे जो अपना बाइक को सर्विस कराने के लिए गए थे, तो देख रहे हो भाई काफी गलीज हो चुका है भाई। अब जब जो हम लोग वापस आएंगे तो इसे फिर से वाश कराना होगा। और भाई इसमें देख रहे हो मिरर हम लोग फिर से लगा दिया भाई, तो मिरर लगाने के बाद अपना लॉकी कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई। और ये रहा जुबेर, एक बार तो चलिए गाइस अभी हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है यार, तो हम लोग अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाई। और टाइम भी देख रहे हो 12:33 हो चुका है। तो गाइस देख रहे हो आज मौसम, देख रहे हो भाई क्या मौसम है यार, एकदम सेक्सी लग रहा है भाई। ये देखो वेदर चेक करो भाई, आप लोग ये चेक करो भाई क्या सेक्सी लग रहा है यार। मैं तो भाई वीडियो स्टार्ट नहीं किया था पीछे, जब जुबेर के पास जो आए थे ना भाई जिस रूट से, उस रूट में इतना ज़्यादा कचरा था ना भाई क्या ही बताए। नाइट को बारिश हुआ और उससे भी रोड वो कितना गलीज है कि आप लोग देखे ही होंगे भाई कितना ब्लॉग में, जब हम जुबेर के पास आते हैं जुबेर को पिक करने के लिए तो कैसा कैसा रोड मिलता है हम लोग को, साथ में देखते होंगे आप लोग। तो उस रोड में जो ना भाई इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है और ऊपर से बारिश हुआ, वो पूरा का पूरा पानी जम चुका है यार, तो इतना ज़्यादा गलीज हो चुका है ना भाई क्या ही बताए, क्या बात है यार। देख रहे हो हम लोग के गाँव का व्यू कुछ इसी प्रकार से भाई, हम लोग का गाँव आप लोग बेंगलोर में भी ऐसा ही देखे होंगे भाई, इधर भी जंगल इधर भी जंगल, बीच में रोड रहता है, तो इधर तो भाई जंगल नहीं है यार, रोड साइड साइड में जंगल है, और बाकी ये सब में जो ना खेती वगैरह होता है हम लोग के गांव में, तो देख रहे हो। और आप लोग को इतना ईजी है, देख रहे हो रोड साइड साइड में भाई आप लोग को वेजिटेबल मिल जाएगा यार, हम लोग के इधर इतना ईजी है ना भाई, हर जगह आप लोग को वेजिटेबल मिलेगा भाई सब्जी के लिए। तो चलिए अपन थोड़ा बहुत अपना बाइक को खींचते हैं भाई, ओहो। तो चलिए यहाँ से जो ना भाई हम लोग जो है ना रेका से ही घूम जाएंगे भाई, यहाँ से रेका जाएंगे और रेका से डायरेक्ट दरभंगा वाला रूट पकड़ लेंगे भाई, दरभंगा का एयरपोर्ट जो है वो रूट होकर के हम लोग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है, अभी का टाइम जो है ना 12:38 हो चुका है, अब कितना टाइम में हम लोग पहुँचते हैं देखेंगे। और दरभंगा में जो ना भाई अपना लॉकी को बुक कराने के बाद, बुक तो शायद होगा या नहीं होगा पता नहीं, इतना जल्दी तो बुक होता नहीं रहता भाई, बेंगलोर में जब पूछने के लिए गए थे तो बोले थे कि भाई एक या दो दिन पहले आकर के आप गाड़ी को बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ना हमें लगभग बोले तो 10-15 दिन बाकी है भाई अपना लॉकी को लेके जाने के लिए, तो इससे पहले हम लोग जा रहे हैं, अगर बुक हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो देखेंगे क्या प्रोसेसिंग है, अगर बुक हो जाए तो अच्छा रहेगा भाई, अगर नहीं हुआ तो पूछ लेंगे भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या प्रोसेसिंग वगैरह है, क्योंकि बेंगलोर में दूसरा है और यहाँ पे शायद कुछ चेंज वगैरह होगा पता नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला भाई, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। है ना पहुँच चुके हैं रेका, और यहाँ से जो है भाई 30 किलोमीटर दूर और है भाई, तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर और डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग राइट लेकर के डायरेक्ट चले जाएँगे दरभंगा रूट में, मधुबनी का जो रूट है ना भाई वो छोड़ देंगे हम लोग। अरे भाई
ये ऑटो वाले भाई जो है ना भाई, कैसे कैसे कटा रहे हैं ना ऑटो को, समझ में नहीं आ रहा है। तो देख रहे हो यही रूट जो है ना, ऐसा करके हम लोग चले जाएंगे भाई। और ये मधुबनी का रूट है तो वो रूट जो है ना हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर और है, हम लोग 10 किलोमीटर दूर जो है ना भाई डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। ओहो भाई साहब, ये चेक करो भाई, एक बाइक पे दो दो पापा की परियों, देख रहे हो। ओह क्या बात है, रिएक्शन चेक करो भाई। और ये चेक करो भाई, एयरपोर्ट दरभंगा का, देख रहे हो यही एयरपोर्ट है भाई, दरभंगा का एयरपोर्ट। अभी हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट क्रॉस कर रहे हैं भाई, अपन लोग इधर से ही जाते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं ब्लॉग तो आप लोग जा कर के देख लेना भाई, क्योंकि भाई का चैनल पे सभी ब्लॉग पड़ा हुआ है, यहाँ का भाई ब्लॉग अपलोड है भाई, तो आप लोग जा कर के देख सकते हो। और देख रहे हो ये है दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा हवाई अड्डा, क्या सेक्सी व्यू लग रहा है भाई साहब, देख रहे हो। और इधर का चारों ओर का व्यू देख लो, क्या गजब का व्यू लग रहा है भाई। इधर जो है ना भाई, पहले तो कुछ भी नहीं बना था, अभी जो है ना भाई ये सब देख रहे हो, नया नया पार्किंग बना है भाई इस एयरपोर्ट के सामने में, देख रहे हो ये पूरा का पूरा पार्किंग बना है, फिलहाल ही बना है भाई, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ ये बना हुआ। ओहो भाई, ये बाइक को जो है ना भाई ठेला पे लाद करके लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। ये देख लो भाई एंट्रेंस, एंट्रेंस व्यू है भाई एयरपोर्ट का, देख रहे हो एकदम मस्त भाई। यहीं पर सामने में एक बस स्टैंड भी है भाई, तो एयरपोर्ट और ये बस स्टैंड के बीच में ना भाई डिस्टेंस ज़्यादा दूर है भी नहीं, शायद आधा किलोमीटर होगा भाई, बोले तो 500 मीटर होगा। देख रहे हो यहीं पर सामने बस स्टैंड है भाई। ओहो क्या बात है भाई, ब्रेकर आप लोग चेक कर पा रहे हो भाई। ब्रेकर, ओ भैया, यह है दरभंगा का बस स्टैंड, देख रहे हो एंट्रेंस। इसका दो गेट है भाई, एक आगे है और एक यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो ना भाई जाम लग चुका है भाई थोड़ा बहुत, देख रहे हो, तो अपन को जो ना यहाँ से निकलना है भाई फटाफट। और गर्मी जो ना भाई धीरे धीरे बढ़ चुका है भाई। तो अब यहाँ से जो ना अपन चल रहे हैं रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन यहाँ से बोलो तो 3-4 किलोमीटर दूर होगा भाई। तो अपन जो है ना रेलवे स्टेशन चलते हैं और वहाँ पर क्या प्रोसेसिंग है नहीं है वो सब पूरा इंक्वायरी करके आते हैं भाई। और अभी जो ना भाई धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है भाई, देख रहे हो। जब हम लोग निकले थे तो भाई धूप भी नहीं था, हवा चल रही थी, अभी भी हवा चल रही है भाई, लेकिन धूप निकल चुका है भाई, तो थोड़ा बहुत गर्मी लग रही है। तो अभी जो ना भाई अपना लौकी को दरभंगा से भेज रहे भाई, और आप लोग आने टाइम में देखे होंगे भाई, जो कि अपना लौकी जो ना भाई दानापुर तक आया था बेंगलोर से, तो अपन जो ना भाई दानापुर नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि दानापुर बहुत दूर हो जाते हैं भाई। आने टाइम तो आप लोग ब्लॉग देखे ही होंगे, जो कि अपन जो है ना दानापुर तक लाए थे बाइक को और दानापुर से चला करके आए थे, आप लोग ब्लॉग देखे ही होंगे भाई, अगर नहीं देखे तो जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ से दानापुर तक आने में भाई अपना लौकी का जो खर्च है ना, टोटल पूरा का पूरा खर्च जो है ना भाई 4100 पड़ चुका था भाई। तो अभी जो ना अपन दरभंगा से भेजेंगे बेंगलोर, तो यहाँ से क्या कॉस्ट होता है नहीं होता है चलिए देख लेते हैं। ये देखो भाई, ये सामने में पुलिस वाले को देख रहे हो, पूरा वर्दी में है और हेलमेट का तो कोई ठिकाना नहीं है भाई, और जो बुलेट ड्राइव कर रहा है उसका भी देख रहे हो हेलमेट वगैरह का कोई ठिकाना नहीं है। अगर ऐसे जो अगर हम लोग ड्राइव करें ना भाई बाइक, तो तुरंत ये लोग रुक करके चालान पे चालान कर देता है भाई। और देख रहे हो पुलिस वाले के लिए भाई कोई रूल्स नहीं है भाई, कोई रूल्स नहीं है भाई, ट्रैफिक रूल्स। तो फाइनली गैज आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, अब जो है ना भाई अपन लोग रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं और अपना लौकी को जो है ना भाई पार्क में लगा करके उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। तो भाई ये जो है ना भाई इसमें एक स्टिकर, तो देख रहे भाई अपना बाइक जो है यहाँ पे पार्क कर दिया भाई, अब यहाँ से हम लोग चलते भाई, हैंडल लॉक करने के लिए नहीं बोला है बंदा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई रेलवे स्टेशन दरभंगा में, देख रहे हो यहाँ का व्यू इस प्रकार से भाई, ये चेक करो भाई। तो ये रहा सामने में पार्सल घर दरभंगा, देख रहे हो। तो अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं भाई और देखते हैं क्या प्रोसेसिंग वगैरह है बाइक का पार्सल में, क्या व्यू आप लोग चेक कर रहे हो, ये देख लो भाई।
फाइनली गए हम लोग का जो आया था ना भाई जिस काम से, वो काम तो अभी हो गया भाई। फिलहाल हम लोग पूछने के लिए आए थे कि क्या क्या प्रोसेसिंग वगैरह लगता है, तो बस RC और आधार कार्ड बोले हैं। तो हम लोग जो है ना भाई वो सब बात कर लिए, भैया बोले हैं कि हो जाएगा। अब जो है ना हम लोग रेलवे स्टेशन में थोड़ा घूमते हैं भाई। तो क्या देख रहे हो भाई, यहाँ पर अभी हम लोग आए थे भाई प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, और ये देख रहे हो हम लोग दो टिकट लिए हैं भाई, 10-10 रुपये का, 20 रुपीज़ का दो टिकट पड़ा है। तो अभी हम लोग चलते रेलवे स्टेशन में और वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे, इन्जॉय वगैरह करेंगे भाई। और यहाँ का व्यू देख रहे हो भाई, देख रहे हो पूरा का पूरा जाम है। और वहाँ पे देख लो भाई टिकट लाइन में कितना पब्लिक है भाई, देख रहे हो आप लोग। तो भाई अभी जो भाई हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे घूम रहे भाई, और यहाँ पर भीड़ का बात करें तो भाई देख रहे हो आप लोग भाई, हम लोग जो है स्प्राइट लिया भाई, देख रहे हो ये जुबेर के हाथ में है। 20 मिनट्स लेटर। सो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं भाई अपन अपना बाइक के पास, देख रहे हो ये अपना बाइक लगे हुए हैं। तो अभी बाइक लेकर के अब निकलते हैं भाई, जो कि जो काम था दरभंगा का हम लोग का पूरा काम हो चुका है भाई। गए थे हम लोग बाइक के बारे में पूछे, इंक्वायरी किए हैं, तो बाइक जो है ना भाई बोले हैं कि आप लोग जो है ना भाई गाड़ी जिस रोज़ खुलेगी ना भाई उस रोज़ जो है ना आप लोग 10 बजे के बाद आ जाइए, कभी भी 2 घंटा में पूरा काम हो जाएगा इसका जो जो काम है। तो बोले हैं ठीक है, तो हम लोग जो है ना अब देखेंगे भाई कब हम लोग को गाड़ी बुक करना है, उस दिन ही आएँगे। और इसका जो बोले भाई प्रोसेसिंग वगैरह, तो बोला है 1 RC और आधार कार्ड, बाकी और कुछ भी नहीं भाई। भाई हम लोग जो है ना उसका कॉस्ट भी पूछे कि भैया कितना खर्च हो जाएगा सभी में, तो भैया बोले 1000 रुपया जो है ना भाई, इसमें जो है ना पैकिंग चार्ज और लोडिंग चार्ज इन दोनों मिला करके 1000 रुपया बोले तो 1000 रुपीज़, और बाकी जो इसका टिकट वगैरह का जो चार्ज है ना भाई वो तो आप लोग को उसी दिन बताएंगे भाई, अभी बताएंगे नहीं। लेकिन बोलना चाहूँगा भाई आप लोग को पहले कि अपन जो है ना भाई बेंगलोर से लेकर के दानापुर जब बाइक आए थे ना भाई, जितना कॉस्ट में उससे कम में ही बोला है भाई दरभंगा से बेंगलोर। तो आप लोग सोच सकते हो भाई उधर से आने में इतना खर्च और जाने में थोड़ा कम ही बताए हैं, और कितना बताए वो जो आप लोग को अभी नहीं बताएंगे, आप लोग को जो ना भाई उस दिन बताएंगे।